हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुडवा चैट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ मॉडलर किचन का डिजाइन। अगर आपको जैसे मॉडलर किचन बनाना, जो हमारा मॉडलर किचन बनाया जाता है एल शेप में, तो वो किस तरीके से बनाना चाहिए, इसमें जैसे लैमिनेट लगानी है आपको, किस तरीके से कलर कम्बिनेशन करना चाहिए, तो इसमें मैं पूरा डिज़ाइन दिखाऊंगा आपको। बास्केट कहाँ पर लगाना चाहिए, जैसे साइजेस है अपने, तो जैसे बास्केट का क्रोकरी यूनिट का होता है, जैसे प्लेट वाला बास्केट होता है, जैसे कि आपको बनाना है शटर का, रोलिंग शटर लगाना, तो किस तरीके से एक मॉडलर किचन बनाना चाहिए, जो अपना स्पेस है फ्रिज की जगह कहाँ पर रखनी चाहिए, तो किस तरीके से होता है एक मॉडलर किचन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों, वीडियो प्रॉपर ध्यान से देखना, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। ये देख सकते हैं, जैसे कि मॉडलर किचन है, यहाँ पे अपना जैसे ये पीवीसी पैनल है, जो अपना चारकोल में बोला जाता है, तो इसका जो लोवर्स लगाना, ये बाहर इसमें जो बना रखा है, पिलर पर लगा रखा है, साइड में है अपना। तो इसके बाद अपने जैसे मॉडलर किचन है, किस तरीके से बनाना चाहिए, फ्रिज आपका जैसे कि एंट्री में है, तो किस तरीके से स्पेस निकालना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें। अगर आपको जैसे एक मॉडलर किचन बनाना, इसमें स्पेस किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से अपना बनाना चाहिए, बास्केट है अपनी, बास्केट कहाँ पर लगानी चाहिए, तो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि अपना टॉप है, तो टॉप आपको जो बनाना, किस तरीके से हाइट रखनी चाहिए, साइजेस किस हिसाब से रखने चाहिए। अगर हम किसी गहराई की भी बात करें, तो किस तरीके से आपको गहराई निकालनी चाहिए, इसकी जो अपने डेप्थ की बात करें, तो इसमें आपको साइजेस किस हिसाब से रखने चाहिए, और हाइट की भी बात करें तो किस तरीके से रखनी चाहिए, तो इसमें देख सकते हैं आप। जैसे कि आपको बनाना है एक मॉडलर किचन, तो इधर अगर आपको जैसे एंट्री के साथ ही अपने बास्केट बनाए, इस तरीके से अपने एक बास्केट ले सकते हैं 4 इंच में, और उसके बाद अपने ये बीकर बास्केट, अगर आपको जैसे लगानी है तो आलू प्याज के लिए, जो हमारी ओपन बास्केट होती है, तो इस तरीके से अपनी एक बास्केट लगा सकते हैं। इसका साइज़ की बात करें तो 450 mm में होती है, इसमें 2 बास्केट लगानी है, आप इस तरीके से ले सकते हैं, ओपन अपने जगह छोड़ सकते हैं, इसमें डोर भी लगा सकते हैं अगर आपको जैसे एक डोर लगाना होता है। तो ये अपने जैसे बोतल प्लाउट है, बोतल प्लाउट आपको बनाना इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद अपने ये बास्केट, अपने जैसे अपने कप, जो हमारे कप की होती है, गिलास की होती है, बास्केट इस तरीके से लगा सकते हैं, 4 इंची बास्केट, ये आप देख रहे हैं 4 इंची बास्केट है, इसी कलर का जैसे लैमिनेट अंदर, तो वैसे ही बास्केट हमने लगा रखी है। टैंडम बॉक्स इस तरीके से लगा सकते हैं वाइट कलर का। और इसके बाद अपने ये देख रहे हैं, जैसे कि ये नीचे जो बड़े बर्तन हैं, जैसे कि आपके जो बड़े बॉक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं इसमें, जैसे आपको बड़े बास्केट के, जैसे बड़े बास्केट है बड़े बर्तनों के लिए, इस तरीके से बना सकते हैं। 6 इंची की बास्केट होती है, और इसके बाद अपनी 8 इंची होती है, जैसे प्लेट वाली आपको इसमें ट्रे रखनी है चाय की, अपने जैसे आपको बनाना है, तो स्पेस इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये अपने 8 इंची की बास्केट थी। इसके बाद भी अपने जैसे सिमेट्री देखते हैं, तो इसके बाद अपने इधर भी अपने 8 इंची बड़े बर्तनों के लिए, जैसे भगोना हो गया आपका, जैसे कुकर हो गया, तो इसमें आप बड़े बर्तन रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बास्केट बड़ी लगा सकते हैं, या अपने जो डबल गैरली वाली है कोल्ड कंपनी की, अगर आपको जैसे लगानी है। इसके बाद अपने 6 इंची में आप देख सकते हैं सामान जिस हिसाब से लगाया जाता है, तो किस हिसाब से रखना चाहिए, एक मॉडलर किचन में किस हिसाब से सामान की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरीके से आपने जैसे आपका गैस के नीचे है, तो इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे अपना कटलरी यूज़ करनी है आपको, तो कटलरी गैस के नीचे आप बना सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना पीवीसी में कटलरी लगा रखा है, तो इस तरीके से एक स्पेस ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 इंची हाइट में है, और आप इस हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद अपने इधर की, अगर आपको जैसे इसमें सामान रखना है, जिस तरीके से आपका छोटा मोटा सामान है, नमकीन बिस्किट है, तो उस तरीके से एक बास्केट ले सकते हैं। इधर भी 6 इंची है, तो इसमें साइजेस के हिसाब से, एक ही साइज़ के लेवल के हिसाब से बना रखी है। जैसे बड़े बर्तन हो गए आपके, जैसे भगोना हो गया, बड़ा हो गया कुकर, तो उसके हिसाब से बड़े बास्केट के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे बड़ी बास्केट बनानी है आपको, ये हमने पत्थर के अंदर ही फिट कर रखी है, आप देख सकते हैं मार्बल के अंदर फिट कर रखी है, इस तरीके से अपना फिट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। और इधर अपना कोने में आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आटे के लिए, जैसे कि हमने बास्केट कोई भी ख़राब नहीं करी, तो इसमें आटे की जगह हमने इधर ले ली, जिसमें एस क्राउज है, मैजिक कॉर्नर नहीं लगा रहे, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। और ये देख रहे हैं, ये ब्लाइंड कब्जा हमने लगा रखा, इसमें काफ़ी मजबूती रहती है, आपने देखा होगा कब्जे हिल जाते हैं कोने वाले, तो आप ब्लाइंड कब्जा यूज़ कर सकते हैं। ये अपना 45 डिग्री में घूम जाता है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे कि अपना काफ़ी मजबूती है, हिलता नहीं है। उसके बाद अपना जैसे हम आर ओ की जगह, अगर आपको जैसे ऊपर जगह नहीं बनी, तो इस तरीके से आर ओ ले सकते हैं, चिंक के नीचे ही अपना आर ओ लगा सकते हैं। और इसमें स्टार्टिंग हम बात करें, ये देख रहे हैं अपना स्टार्टिंग हमने लगा रखी है, ये जैसे कि बाहर के एक लेवल में दिखना चाहिए, अंदर आपका जैसे कुछ जगह ऐसा होता है खाली छोड़ते हैं, वो छोड़ देनी चाहिए, इस तरीके से स्टार्टिंग लगा लेनी चाहिए, एक ही लेवल पर अच्छी रहती है, इस प्रकार ले सकते हैं। और नीचे से आप देख सकते हैं पूरा स्टार्टिंग, जैसे कि हमने बना रखा पूरा, इसमें लगा रखा इस तरीके से। यहाँ पे वैसे लाइट है, अभी लाइट के कनेक्शन हुए नहीं, यहाँ पे लाइट लगा रखी है, बाकी मैं जला कर दिखाता हूँ, क्योंकि अभी जो इसमें
साइजेस के हिसाब से अपने छोड़ रखा जो जगह हमने बना रखी है, बाकी अभी लाइट के कनेक्शन हुए नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता। इसके बाद अपने जैसे कि आपको सिंक के ऊपर लेने डोर इस प्रकार ले सकते हैं, डिसैक लगाना आप ऐसा लगा सकते हैं जैसे कि आपको बनाना। और अब गीजर की बात करें, अभी इसमें सफाई नहीं हुई है, अभी सफाई काफ़ी अभी बाकी है, ऐसे ही सामान रख लिया बाकी। तो इसमें जैसे आपको लगाना गीजर इस तरीके से ले सकते हैं, और ये अपने डोर, और यहाँ पे ये जो जगह थी बंद थी इस पिलर की थी, इसको बंद कर रखा इस तरीके से। और इधर अपनी विंडो है UPVC में, इस तरीके से बना सकते हैं, एक विंडो ले सकते हैं। इसके बाद अपने डोर अपने देख रहे हैं, जैसे कि इसमें अगर आपको बनाना इस हिसाब से ले सकते हैं, सामान के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरीके से आपको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है सामान की, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे ऐसे ही खाने बनाने हैं आपको, जैसे 15 इंची हाइट में इस तरीके से ले रहे हैं। अपने देख रहे हैं साइडों में डोर इस तरीके से सही रहते हैं, जैसे कि दोनों डोर हैं, और ये आपके चिमनी में लगेंगे नहीं, हड़ेंगे नहीं। और जैसे आप काम कर रहे हो जैसे गैस पे, तो आपका ये सही रहता है साइडों में, इस तरह के डोर अच्छे रहते हैं। और अंदर हमने प्रोफाइल लाइट लगा रखी है, देख रहे हैं इसमें लाइट लगा रखी है, ये गिलास लगा रखा है, प्रोफाइल डोर है, और ऊपर के इस तरीके से हमने खाने बना रखे हैं। ऊपर अपना देख रहे हैं जैसे कि चिमनी के गैस की जगह थी उसको ऊपर ले लिया, जगह वेस्ट नहीं जावे, ऊपर की साइड लिया हमने जिसमें आपकी जगह भी यूज़ हो जाएगी, इस तरीके से बना सकते हैं। और ये भी हमने कवर कर रखे हैं, इस तरीके से डोर लगा रखे हैं, और इधर अपना इस प्रकार बना सकते हैं जैसे कि सामान के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। और हमने फास्टनर लगा रखे हैं इसमें, जिसमें मजबूती रहती है आपकी, जैसे किचन बनाते हो जैसे आपको बनाना, जैसे कि हमने ऊपर डोर लगा रखे हैं, इधर भी अपना हाइड्रोलिक डोर लगा रखा है, इस तरीके से हमने बना रखा ये अपने ऊपर, जैसे इसे यहाँ पर खोलने की जगह नहीं है तो जगह ज़्यादा है इसकी डोर की, और वहाँ पर जगह कम है, इस तरीके से ले सकते हैं। इधर हमने रोलिंग शटर लगा रखा, आप देख रहे हैं जैसे कि गिलास वाले डोर लगा रखे, इसमें अपनी लाइट लगा रखी है, इस तरीके से प्रकार लगा सकते हैं। अगर आपको लाइट नीचे लेनी है, ट्रांसफिट करनी है, तो इस तरीके से गिलास वाले सेल्फ लगाने होंगे आपको, उसमें आपकी लगेगी। हमने यहाँ पर भी बंद कर रखा है इसको, जो हमारा क्या कहते हैं रोलिंग शटर है, उसको हमने कवर कर रखा है, इस यहाँ पे बंद कर दिया। ये अपना देख रहे हैं ऊपर अपनी जो मशीन है वो दिखेगी नहीं, इस तरीके से बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये लगाना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ किस तरीके से लगाया जाता। अगर हम बात करें इसकी स्लैब की, स्लैब आपको ये रखना चाहिए कम से कम 24 या 25 इंची, इस तरीके से साइज़ रखा जाता है, जो हम डेप्थ की बात करें इसकी। और हम हाइट की बात करें, नीचे से जो अपना काउंटर टॉप की हाइट होती है, तो ये अपनी 34 इंची होती है, इतना साइज रख सकते हैं। अगर आपको जैसे कम रखना है तो अपनी हाइट के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसकी जैसे हमने टॉप की बात करी, इस पर नैनो वाइट लग रहा है। अगर आपको जैसे ये टॉप पर अगर पत्थर लगाना, नैनो वाइट लगाना है, अपना ये अपना इसमें गिला वो अपना कोरे पत्थर लगाना, अगर आपको ग्रेनाइट भी लगाना, इसमें आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत है उस हिसाब से लगा सकते हैं। या अभी थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे कि हम इसकी मोल्डिंग की बात करें, यहाँ पर मोल्डिंग बनी नहीं है, इसमें अंदर लाइट भी है, वो भी लाइट लगेगी, कनेक्शन होगा। ये जैसे कि हमने जगह छोड़ी है, इसकी जो जगह छोड़ी है हमने, इसकी जगह छोड़ी है अपनी 450 mm, और ये फ्रिज की जगह छोड़ी है हमने, तो ये 32 इंची का फ्रिज, जैसे 30 इंची जगह है आपकी, तो उस तरीके से 32 इंची जगह छोड़ सकते हैं, जो चौड़ाई में हमारी छोड़ जाती है हाइट के हिसाब से। अपने देख रहे हैं ये इधर अपना जैसे लोवर्स लगा रखे, इसमें भी प्रोफाइल है, अभी कनेक्शन चालू नहीं है इसका, ये लोवर्स देख सकते हैं। ऊपर की साइड आप इस प्रकार लगा सकते हैं, अगर आपको जैसे पिलर ढकना है तो उसमें अपना कवर कर सकते हैं इस तरीके से। ये फ्रिज की जगह है, और अपना देख सकते हैं फ्रिज किस तरीके से होना चाहिए, अपना किस तरीके से अपने जो आपको लगाना किस तरह अपना जो फ्रिज की जगह, इस तरीके से अपना देख रहे हैं। पूरा डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, और फॉल सीलिंग का भी डिज़ाइन ये अपना देख सकते हैं, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको एक मॉडुलर किचन बनाना, किस तरीके से अपना स्पेस निकालना चाहिए हिसाब से ले सकते हैं अपना मॉडुलर किचन एल शेप में। इसकी हम अगर लंबाई की बात करें, जैसे हम इसकी बात करें किचन की, 14 फुट लंबाई में, इस तरीके से आपने देखा जैसे फ्रिज का साइज़ होता है 2.5 फुट, जो हमारे फ्रिज की जगह निकल गई। इसके बाद अपना इधर अपना 6 फुट है एल शेप में, तो इस तरीके से एक मॉडुलर किचन बना सकते हैं। अगर आपको जैसे पूरा किचन बनाना, इसमें जैसे कि जो मटेरियल है, जो रिक्वायरमेंट है, उसकी आप फ़ोन पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी जैसे अपने किचन बनता है तो 2.5 से 2.5 लाख के आसपास बन जाता है, तो हम इसके मटेरियल के साथ अगर जोड़ के चलें तो इस तरीके से किचन बन जाता है, आपका तैयार हो जाता है, जिसमें सिर्फ आपका वुडन वर्क है। और अगर आप पत्थर की बात करें वो अलग से है, तो उसमें आपका वुडन वर्क का जो अपने एक्सेसरीज जो फिटिंग है, इस तरीके से किचन बन जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लिखाएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।